एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ वजाइनल ड्राइनेस के बारे में। जी हाँ, नाम सुनते ही पता चलता है कि ये फीमेल प्राइवेट पार्ट के बारे में। लड़कियों की बॉडी यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लड़कियों की बॉडी यानी कि बहुत सारे झंझट, और इनमें से ही एक है वजाइनल ड्राइनेस। ये वजाइनल ड्राइनेस बहुत सारी रीज़न की वजह से होते हैं, और वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि जिन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है वह आसानी से इसको सॉल्व कर सके। देखिए क्या होता है कि जब लड़कियों को पीरियड शुरू होता है ना, तो ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, एक हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है, वो है एक्टिव एस्ट्रोजन का। ओवरी लगातार इस हार्मोन को रिलीज करती रहती है ताकि वजाइनल एरिया हमेशा मॉइस्ट एंड वेट रह सके, ताकि अंदर की जितनी फ्लूइड है वो आसानी से बाहर जा सके, वजाइना में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, इन्फेक्शन ना हो, और प्राइवेट पार्ट एरिया हमेशा हेल्दी रह सके। पर जब लड़कियों के बॉडी में ये एक्टिव हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो लड़कियां काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। सिर्फ वजाइनल ड्राइनेस नहीं, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करती है। फिलहाल आज मैं वजाइनल ड्राइनेस के बारे में ही बात करने वाली हूँ। ये जो हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है वो परमानेंटली भी बंद हो सकता है या फिर टेम्पोररी बंद हो सकता है। ये एक्टिव हार्मोन्स रिलीज ना होने के पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। अगर हम उस वजह को आसानी से डिटेक्ट कर सके और कुछ अगर हमारे हाथ में हो, तो हम अगर सोल्यूशन निकाल सके, तो आसानी से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि जिस फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वही जानते हैं कि उनको काफ़ी दिक्कत होती है और किस लेवल तक होती है। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है मेनोपॉज। जी हाँ, थोड़ी मैं एजिंग जो फीमेल्स हैं उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ। जिन फीमेल्स को, जिन औरतों को मेनोपॉजिंग का जो फेज होता है वो शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत बार जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो जो नॉर्मली काम करना होता है उससे थोड़ा काम कम करती है, बहुत बार ज़्यादा काम कर देती है, क्योंकि थोड़ी एबनॉर्मलिटी आ जाती है हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में, और इसी वजह से ओवरीज जो है बहुत बार ज़्यादा रिलीज कर देती है। क्योंकि बार ऐसा होता है कि वो इस एक्टिव हॉर्मोन को बहुत कम रिलीज करती है, जिस वजह से एजिंग के साथ साथ वजाइनल ड्राइनेस बढ़ती रहती है, और एक टाइम पे ऐसा होता है ये परमानेंटली बनना बंद हो जाता है। रीज़न नंबर टू वो है चाइल्ड बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीमेल्स वजाइनल ड्राइनेस को फेस करती है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उस दौरान बॉडी में काफ़ी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हार्मोन्स बहुत बड़ी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, इसी वजह से एक्टिव हार्मोन भी बॉडी से कम रिलीज होते हैं, बॉडी में लिबिडो प्रॉब्लम बढ़ती है, और इसी वजह से और भी बहुत सारी दिक्कत होती है, जिसके साथ साथ वजाइनल ड्राइनेस भी एक रीज़न है। रीज़न नंबर थ्री और वो है केमोथेरेपी। जो फीमेल्स केमोथेरेपी करवाती है वो फीमेल्स अक्सर वजाइनल ड्राइनेस को फेस करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कोई भी मेजर सर्जरी या फिर कोई भी ऐसी सर्जरी हो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हुआ है, उस दौरान भी बॉडी से जो एक्टिव एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम रिलीज होते हैं, जिस वजह से ये फेस लड़कियां करती हैं। इनमें से हो सकता है यूटरस का रिमूव होना, या फिर फैलोपियन ट्यूब का रिमूव होना, या फिर ओवरीज का ही रिलीव होना, जहां से ये हार्मोन रिलीज होता है। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे उनको पता चलता है कि उनको वजाइनल जो ड्राइनेस है वो प्रॉब्लम हो रही है, और ये क्यों हो रहा है वो भी मैंने बता दिया। तो ये सिम्टम्स क्या है, सबसे पहली बात वो है बर्निंग, जलन सा होता है प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा। बहुत बार ये जलन इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बहुत बार ये जलन जो लो प्रोडक्शन है ऑफ एक्टिव एस्ट्रोजन उसकी वजह से भी होता है। प्राइवेट पार्ट में डिसकम्फर्ट होना, इरिटेशन होना, ये भी एक सिम्टम है। रॉ सोरनेस होना, इचिंग होना, एंड डिसकम्फर्ट ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशन, ये बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो वजाइनल ड्राइनेस का सिम्टम होता है। थोड़ी इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, अगर हम कोशिश करें तो इसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। एंड सोल्यूशन नंबर वन इज लुब्रिकेंट। कुछ लुब्रिकेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशली वजाइनल लुब्रिकेंट होता है, जो उसी के लिए मिलता है। आप चाहो तो सिर्फ उसको ही चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। यहाँ आप नेचुरल लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक पेट्रोलियम जेली और लाइक कोकोनट ऑयल, बट इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है वजाइनल लुब्रिकेंट, जो आपको ऐसे प्रॉब्लम से ज़्यादा आसानी से आपको बाहर निकाल सकता है। और लुब्रिकेशन रिलेटेड एक और बात जरूर बताना चाहूँ, अगर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हो कोई भी, तो आप बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये उसको डैमेज कर सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप डेफिनेटली
वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करें। सेकेंड सोल्यूशन वो है वजाइनल मॉइस्चराइजर। जी हाँ, मैं मॉइस्चराइजर के बारे में बात कर रही हूँ, उसका मतलब यही नहीं कि आप फेस पे इस्तेमाल किया हुआ मॉइस्चराइजर अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे लगा दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी केमिकल्स होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा, इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ा देगी, रेडनेस हो जाएगी, आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल भी फेस पे इस्तेमाल किया हुआ मॉइस्चराइजर ना यूज़ करें, स्पेशली प्राइवेट पार्ट के लिए मॉइस्चराइजर आती है। हो सकता है कि आपको लोकल केमिस्ट स्टोर में ना मिले, पर इजीली ये ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हो तो आपके वजाइनल एरिया हमेशा मॉइस्ट एंड वेट रहती है, जो इस प्रॉब्लम से आपको धीरे धीरे निकाल लाती है। मैं आपको कुछ पर्सनली सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, वो है मेनोपॉजिंग का जो फैक्टर होता है वो कभी कभार हमारे हाथ में नहीं होता, बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये जो प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ होती है उसका मेन रीज़न होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। बहुत बार औरतें क्या ऐसी होती हैं जो मेंटल डिप्रेशन यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिस वजह से ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो और बढ़ता रहता है और प्रॉब्लम्स भी और ज़्यादा बढ़ती रहती है, इससे रिलेशनशिप में भी काफ़ी तनाव आता है। तो आप सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का मतलब ठीक करने के बारे में सोचें। अगर आपको ऐसा कोई, अगर आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपका हस्बैंड, अगर आप एक मेल पार्टनर हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और हो सकता है कि आपको यही प्रॉब्लम अपनी वाइफ के साथ आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आप फील कर रहे हो वाइल फिजिकल रिलेशन, अदरवाइज आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर डिसकम्फर्ट हो रही है, तो आप कोशिश कर सकते हो और उनको मेंटल रिलैक्सेशन देने के बारे में सोच सकते हो। थोड़ा वक्त उसको देना ज़रूरी होता है, कम से कम 3 से 6 महीना, क्योंकि ये वक्त लग जाता है बॉडी को हील होने में। और अगर कोई और रीज़न है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, वही क्योंकि इसके लिए बहुत सारी जो मेडिसिन होती है वो भी अवेलेबल होता है, बहुत सारे लोशन भी अवेलेबल होते हैं, पर हाँ वो डेफिनेटली एक डॉक्टर के थ्रू ही प्रेस्क्राइब करके ही आपको केमिस्ट स्टोर से लेना चाहिए, ताकि आपको आसानी हो कि क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो जो इन्फॉर्मेशन के लिए हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।